नागेश कुकुनूर एक ऐसे फिल्ममेकर है जिनका नाम लेते ही आपके दिमाग में ऐसे आ जाता है कि कुछ अलग फिल्म होगी, कुछ हटके फिल्म होगी, कुछ मैसेज जरूर होगा। आज के हमारे गेस्ट हैं द सेम मिस्टर नागेश कुकुनूर, प्लीज वेलकम हिम। नागेश जी, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। ग्लैड टू बी हियर। काफी लंबे समय के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो इस बीच में आप कहां गायब थे? एक साल तो निकल गया बस आशाएं के रिलीज के चक्कर में। तो उस एक साल के बाद वंस लास्ट अगस्त सितंबर आशाएं रिलीज हुई, तब मैं आई कुड मूव ऑन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए रुकना पड़ा। सो तस्वीर 2009 अप्रैल के बाद आई हैड टू वेट ऑल द वे टिल आशाएं रिलीज। सो ये फिल्म रिलीज करने के चक्कर में एक डेढ़ साल निकल गया। और मोड को आपने बहुत लो प्रोफाइल रखा ड्यूरिंग इट्स मेकिंग, कोई खास वजह? नॉर्मली मैं जब फिल्म बनाता हूं तो फिल्म बन जाती है, उसके बाद मैं अपना पब्लिसिटी या स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फिल्म। वो बीच में ऑब्वियसली दो बड़े प्रोजेक्ट्स होने के वजह से आशाएं और तस्वीर काफी कुछ प्रेस हुआ था जब फिल्म बन रही थी। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक टू माय रूट्स। आई सेड नहीं, चुपचाप जाके फिल्म बनाते हैं, फिर वापस आके उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या इस कारण था कि तस्वीर इस बुरी कदर पिटी के आपको ऐसे लगा कि ज्यादा टॉम टॉम नहीं करना चाहिए? हर एक फिल्म की एक अप्रोच होती है। अगर आप बड़ी फिल्म बना रहे हो तो ट्रेड में ये बहुत जरूरी है कि उसके बारे में बात फैल जाए, यू नो, यू स्टार्ट जनरेटिंग इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो जब आप वापस एक छोटी फिल्म बना रहे हो तो यू कैन प्ले बाय योर ओन रूल्स। हमेशा मेरा ये अप्रोच रहा कि आप फिल्म पहले बनाओ, फिर लेट द ऑडियंस जज एंड डिसाइड फॉर इटसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली आज के यू नो मार्केटिंग वर्ल्ड में being quiet is definitely not a help. मगर आपको भी ऐसे लगता है कि making a film is just one part of the story, now marketing it is also equally important? It was at one time what you were saying was true. अब ऐसा हो गया कि making a film is irrelevant. Marketing a film is more important. I mean, at one point I used to say that it was dead even. Not anymore. आज के जमाने में अगर आप फिल्म बनाओ जितनी भी अच्छी हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज इट दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज इट फॉर अ फिल्म मेकर लाइक यू जो कंटेंट में बहुत विश्वास रखते हैं? वेरी, क्योंकि अब इस फिल्म लाइन में आके ऑलमोस्ट 14 साल हो रहे हैं मुझे, और एवरी 3-4 ईयर्स आई हैव सीन दिस ट्रेंड इंक्रीज मोर एंड मोर। पहले ऐसा था कि मैं फिल्म बनाऊं और you know, you have a small distribution network, uske through release kar dein aur things would build up. Now it's irrelevant. Aap agar itna tom tom nahi karo film release hone ke pehle aur wo opening pehle ek do din ke agar opening nahi lage to there's no point in having a good film. Nagesh, aapne Hyderabad Blues, Teen Deeware aur Door ऐसी फिल्में बनाई हैं विच हैड सम मैसेज टू कन्वे, और फिर आपने तस्वीर, बॉम्बे टू बैंकॉक जैसी इफ आई मे से सो फ्रिवलस सिनेमा, कमर्शियल, एब्सोल्युटली कमर्शियल सिनेमा, नहीं तो आपकी फिल्में थोड़ी हटके हुआ करती थी, मगर ये दो फिल्में जो आपने कमर्शियल मोल्ड में बनाने की कोशिश की ये दोनों पिट गई बॉक्स ऑफिस पर। तो समवेयर डू यू थिंक दैट यू हैड गॉन रॉन्ग, यू हैड लॉस्ट योर विजन और यू हैड लॉस्ट योर वे? एक्चुअली नो, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी फिल्मोग्राफी प्लान की एंड व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर मी वर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, इकबाल और डोर बनने के बाद आई हैड मेड अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मैं वापस वो फील गुड अपलिफ्टिंग सिनेमा, आई यू नो अगर मेरे पास स्क्रिप्ट्स होते एंड ईच डायरेक्टर फील्स अबाउट अ सर्टन थिंग अ सर्टन वे, आई वुड हैव कंटिन्यूड। बट आई सेड आई वांट टू गो बैक एंड डू अ कॉमेडी, क्योंकि मैं पहले 2-3 फिल्मों के बाद आई हैडन्ट रियली वेंचर्ड इनटू अ फुल ब्लोन कॉमेडी। सो आई डिड बॉम्बे टू बैंकॉक, पर बॉम्बे टू बैंकॉक के बाद आशाएं वाज सपोज्ड टू रिलीज। आशाएं अगेन जो आप कह रहे थे सिनेमा विद अ मैसेज और व्हाटएवर, इट्स गॉट माय अप्रोच, आई डोंट नो व्हाट दैट अप्रोच इज, यू शुड टेल मी। इनफैक्ट मेरा सवाल वही होने वाला था कि व्हाट इज नागेश कुकुनूर अप्रोच। आई हैव नो आइडिया, बट इन टर्म्स ऑफ लूजली पुट कॉन्टेंट सिनेमा दैट वॉज द वन दैट वॉज सपोज टू रिलीज नेक्स्ट, बट एज यू नो वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच फंस गई और एक डेढ़ साल का डिले हो गया। तो इस बीच
तस्वीर जो बन रही थी विच अगर आप मेरे यू नो 10 साल पहले भी मुझे ये सवाल करते तो मैंने हमेशा ये कहा कि मैं हर जॉनर में एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. ओके. एंड दैट हैज बीन माय अप्रोच. थोड़े हिट्स होंगे थोड़े मिसेस होंगे. तो ऐसा नहीं कि सडनली यू नो आई हैव चेंज माय रूट और जाके यू नो आई एम मेकिंग सिनेमा दैट आई डोंट बिलीव इन. इवन बॉम्बे टू बैंकॉक एंड तस्वीर आर माई काइंड ऑफ सिनेमा. बट द प्रॉब्लम इज इट्स इन अ डिफरेंट जॉनर. और अगर वो जॉनर चली नहीं तो इट कम्स बैक टू द फैक्ट दैट अरे यार ये कमर्शियल है. हैड इट वर्कड देन पीपल हैव सेड यार ही ट्राइड अ डिफरेंट जॉनर और उसमें भी चल गई. बट क्यों नहीं चली ये दो फिल्में आपने ट्राई किया एनालाइज करने की? वेल तस्वीर तो एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन था क्योंकि इट गॉट स्टक इन अ होल बंच ऑफ थिंग्स. हमारी कैनेडा की स्केड्यूल गॉट स्क्रूड अप क्योंकि लोकल प्रोडक्शन मैनेजर्स लोकेशंस नहीं मिले. तो अ फिल्म विच वाज सपोज टू कम अर्ली 2008 गॉट शिफ्टेड टू 2009 क्योंकि अक्षय कुमार के पास डेट्स नहीं थी. एंड आई स्पेंट वन ईयर प्लेइंग कैच अप. वेंट टू साउथ अफ्रीका उसको यू नो मैच करके रेस्ट ऑफ द शूटिंग. बट ऐसा भी कहा जाता है कि सेट पर भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे आपके और हीरो के बीच में. नहीं 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 अफवाहें हैं. अब बिल्कुल आधी इंडस्ट्री तो उसी पे चलती है. आधी से ज़्यादा. रूमर्स आर द नेम ऑफ द गेम. नहीं तो बस फिल्म बनते बनते एक साल चुप ही निकल गया फॉर नो रीजन. सॉलिड रीजन. हाँ और फिर याद है आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर्स का स्ट्राइक का लफड़ा था. करेक्ट. एंड दो वीक तक बिफोर द स्ट्राइक हमको ये पता नहीं था कि हमको विंडो मिल रही है कि नहीं पिक्चर रिलीज करने. और फाइनली प्रोड्यूसर्स काउंसिल सेड अच्छा ठीक है एक पिक्चर को हम अला करेंगे और वो होगी तस्वीर. तो बाकी 10 दिन में पोस्टर निकले ये निकले एंड वी रिलीज. बट आपको यकीन है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिल्म वुड हैव वर्क्ड बेटर? 100%. सी Like I said at the beginning of the interview, thank God I said it at the beginning. It don't look like an afterthought. Exactly. Today the marketing and... Exactly. Agar aap 6 mahine ki marketing karke chalo. Very right. There is a certain momentum that builds up even for... The film is irrelevant. Agar aapki film bakwas bhi ho, aapke marketing strength pe ek momentum mil jata hai. Aur wo momentum se pehle 2-3 din kam se kam with an Akshay Kumar film you have a collection. फिर बाद में वर्ड ऑफ माउथ रिव्यूज आफ्टर दैट. एग्जैक्टली. हमको वो भी नहीं मिला. मोमेंटम भी नहीं मिला. कुछ भी नहीं मिला. फॉर एन अक्षय कुमार फिल्म जब पिक्चर फाइनली पर्दे पे आई तो वी डिडंट इवन गेट एन ओपनिंग. और तब तो अक्षय वाज एट हिज पीक. ही हैड ओनली वन फ्लॉप. एवरी फिल्म ऑफ हिज वाज ओपनिंग टू ग्रेट हाउसेस. करेक्ट. वेरी ट्रू. तो कम से कम वो मोमेंटम में निकल जाते हम. पर वी डिडंट हैव द टाइम टू मार्केट. इट वाज जस्ट अ मेस. एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद बॉम्बे टू बैंकॉक? बॉम्बे टू बैंकॉक आई थिंक ऑडियंसेस वर पिस्ड ऑफ. बोले कि हमको इकबाल दिए डोर दिए इसके बाद व्हाट इज दिस नॉनसेंस. अगर बॉम्बे टू बैंकॉक कहीं और at a different period in my life I had brought it out, I think the audiences, critics, everyone would have been more forgiving. Kya hota hai ki jab main Iqbal bana, I went from an English language director to a Hindi director. Correct. It was my first feature film in Hindi. Hindi. To obviously ek broader audience ko tap karne ko mila and I was very grateful. उसके बाद डोर निकली तो पीपल सेड हाँ यार ये हिंदी फिल्में भी बनाता है. ज्यादातर लोग द हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस थिंक माय फर्स्ट फिल्म इज इकबाल. ओके. बहुत सारे लोग उन्होंने वो फिल्में देखी नहीं है. बिल्कुल. काफी लोग आके बोले अरे आपका पहला फिल्म इकबाल. सो आई डोंट बॉदर करेक्टिंग देम बिकॉज आई एम ग्रेटफुल. इन अ वे दे आर राइट. एंड इन अ वे दे आर राइट. इट वाज योर फर्स्ट हिंदी फिल्म. एब्सोल्युटली. तो वो एक कंडीशनिंग हो गया था. तो व्हेन द ऑडियंस इज गोइंग इन. और मैं रिलीज होने के पहले 100 बार हर इंटरव्यू में एक एक जब भी मौका मिलता था मैं यही बोलता था कि ये इकबाल नहीं है डोर नहीं. बिल्कुल नहीं. ये बिल्कुल है. अलग है. या दिस इज आई हैव डन सो मेनी कॉमेडीज. अगर आप बॉलीवुड कॉलिंग देखें. करेक्ट. बॉम्बे टू बैंकॉक इज नॉट रेडिकली डिफरेंट. एग्जैक्टली. आई वाज अबाउट टू से इनहेरेंट ह्यूमर तो आपकी फिल्मों में होता ही है. Your initial films had a lot of humor. Absolutely. You said about the forgiving audience. Has Subhash Ghai forgiven you? Because there were a lot of fireworks between you and Subhash Ji during the making and more importantly release of Bombay to Bangkok. Unka sochna tha ki ye nahi hona chahiye, ye hona chahiye. So there were so many creative differences between the two of you. Nahin, there were no creative differences. Picture release hone ke baad, mujhe
पता चला. एंड यू कैन गो बैक एंड चेक ऑल द इंटरव्यूज. जब पिक्चर रिलीज हो रही थी आई वाजंट इवन अवेयर. पिक्चर रिलीज होने के बाद मुझे पता चला दैट ही वाज अपसेट विद मी. तो आई वाज लाइक यू मीन टू से ही हैड नॉट कन्वेड दैट ही इज अपसेट विद यू और दैट ही इज नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग टू यू. नथिंग. नॉट अ सिंगल कॉन्वर्जेशन. तो हमारी कभी बात हुई नहीं. सो आई वाज रियली सरप्राइज कि Where did that angle come from? तो फिर आपने उनको फोन करके या उनको मिलके क्लैरिफाई किया? And since then we've met a bunch of times. Last year also we. तो उनका क्या कहना था कि why did he not convey it to you? See, जब last year I met him at Cannes and we spent a reasonable amount of time, तो the topic had passed. Okay, so there was no sense in raking up the old issues. Exactly. 2007 में picture release हुई. आप 2009 no 10 sorry your टॉकिंग अबाउट नहीं है. बट उस समय जब इंटरव्यूज आए आपने फोन नहीं किया या जाके मिले नहीं? नो. पर कोई भी इंटरव्यू रिलीज होने के पहले कभी हुआ ही नहीं. नहीं, रिलीज के बाद जब बात आपको पता चली. एंड द थिंग वॉज इट केम बैक थ्रू इंटरव्यूअर्स कि पता चला कि सुभाष जी आप लाइक रियली बिकॉज आई हैड नो आइडिया. क्योंकि दोनों इकबाल और बॉम्बे टू बैंकॉक जब मैं मुक्ता में बनाया था आई मेड इट विद राहुल पुरी सुभाष जी सन इन लॉ. So that was my route, the way we dealt with all the projects. So even Bombay to Bangkok, main apna edit karke, I would lay the film out and it was always through Rahul. So where Mr. Guy was truly, truly instrumental is Iqbal ban gayi. Phir uske baad he came on board and he said, I really don't know, ye film pata nahi kaisi hai. But I'm going to have a screening with some people. So I said, okay. So screening ke baad, unhone aake bola, everyone loved it. So I'm going to trust your vision completely and go with it. Ye Iqbal ki baat hai. Iqbal ki baat. And that, he marketed it to the hilt. Aur Iqbal ke saath jo hua, you know, everyone knows. So Bombay to Bangkok was the same approach. Okay. I would work independently. I would cut the film the way I want to. Finish it and then deliver it. Haan. बॉम्बे टू बैंकॉक के साथ ये जरूर हुआ कि राइट एट द बिगिनिंग व्हेन आई वाज मेकिंग इट आई टोल्ड देम दैट आई वुड ओनली कम टू द एडिट आफ्टर आई फिनिश शूटिंग आशाएं. ओके. तो उस बात को भी लेकर कुछ दैट माइट हैव बीन. मगर मैं शूट पे जाने के पहले ही आई हैड गिवन दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज फ्रॉम योर साइड यू हैड क्लैरिफाइड थिंग्स. आई क्लैरिफाइड एवरीथिंग बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज हू शूट्स ऑन द कफ. मेरे शूट में काफी प्लानिंग होती है क्योंकि हर फिल्म 40 दिन या उसमें उससे कम में बनती है. कंप्लीट होती है. या सो इट डजंट हैपन की बाय द सीट ऑफ द पैंट. सो आई हैड जॉन्स डेट्स इन जून एंड आई हैड यू कुडंट अफोर्ड टू लेट दैट गो. इट वाज नॉन निगोशिएबल. तो आई शॉट बॉम्बे टू बैंकॉक मार्च अप्रैल और सीधा वो सेट से वन मंथ ऑफ प्रेप एंड आई शॉट आशाएं. आशाएं. तो उस बीच में लंबा गैप हो गया. तो पिक्चर रिलीज होने में बॉम्बे टू बैंकॉक रिलीज होने में इट वाज अनदर सिक्स मंथ्स और समथिंग लाइक दैट फ्रॉम दैट पॉइंट. नागेश मोड की बात करते हैं. राइट. मोड ये आइडिया कैसे आई? बिकॉज आपकी फिल्मों में जो नॉर्मल मोड इज अ लव स्टोरी मगर जो नॉर्मल लव स्टोरीज बॉय मीट्स गर्ल एंड वो जनरली होता नहीं है. तो सडनली आपने एक लव स्टोरी बनाने की कैसे सोची? ये फील्ड में एक लेसन तो सीखने पड़ेगी दैट नेवर से नेवर. एंड द वर्स्ट थिंग इज जो आप बोलते हैं वो या टेप पे है या प्रिंट में है. सो इट्स देयर फॉर पोस्टेरिटी. एग्जैक्टली. I always said I wouldn't make a love story. And obviously retracted that last year. क्योंकि एक I felt अगर साल में 100 love stories बनते हैं तो everything that has to be said has been said. However, at a different point in your life when a certain kind of story or something comes along, you say maybe I have a different spin. Correct. So the same thing happened with kahani. Exactly. I was watching this film. I was on the jury of the Asian Festival of First Film Singapore mein aur main ye chota sa Taiwanese film Keeping Watch karke dekha and when I saw the film I said yaar isme there's a germ of an idea. Yeah, there's something about the soul of this film which really attracts me to the love story. तो Keeping Watch. Okay. So obviously bought the rights of the. अच्छा आपने खरीदे उसके लिए. Yeah. Okay. Instantly we bought the rights. अच्छा. And then I set about adapting it. क्योंकि I felt obviously वो एक Chinese milieu में था. Adapting it to an Indian situation. Nirmal. I knew that I'd have to beef up the characters and all that. And it was a real challenge.
क्योंकि जब एक कहानी ऑलरेडी किसी ने समवन्स फिनिश्ड इट, आप जब अपना टेक शुरू करो तो यू आर बाउंड बाय दोज रूल्स. और अगर व्हेन आई राइट माय ओन स्क्रिप्ट्स, यू आर फ्री टू गो व्हेरेवर यू वांट एंड एक्सप्लोर. बट तो उस दायरे में रहकर आपको पहली बार लिखना पड़ा. पहली बार, एंड देन फाइनली आई सेड यार दिस इज नॉट वर्किंग, स्क्रैप इट, एंड आई रीस्टार्टेड. बट द सोल इज कंप्लीटली द ओरिजिनल फिल्म. और जैसा आपने कहा इट वॉज चैलेंजिंग, एंड चैलेंज है तो नागेश कुकुनूर को तो आना ही है. यू लव टू टेक चैलेंजेस. आई डू सी हर फिल्म के साथ, एटलीस्ट आई नो सम डायरेक्टर्स हैव दिस अप्रोच. मुझे लगता है कि आई हैव समथिंग टू प्रूव. आई हैव नेवर कम फ्रॉम अ कम्फर्ट जोन की यू नो ये तो है या दिस इज माई स्पेस. इट्स नेवर दैट. हर फिल्म में देर हैज टू बी समथिंग दैट डजंट अलाउ मी टू स्लीप. तो इस फिल्म के साथ ऑब्वियसली व्हेन यू शूटिंग अ लव स्टोरी, इफ यू लुक एट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इतने सारे ग्रेट लव स्टोरीज हैव बीन मेड इन द पास्ट ईयर. सो यू टेलिंग योरसेल्फ, ओह आई कांट स्टील फ्रॉम दैट. नहीं नहीं नहीं, वो शॉट तो ऑलरेडी विजयानंद हैज डेल्ट विद इट, सो आई कांट यूज, आई कांट ऐड टू इट. एग्जैक्टली. सो ये दिस वाज द बैटल, हाउ डू यू टेल अ लव स्टोरी, बिकॉज लाइक आई सेड. एंड हैविंग मेड द फिल्म, आपको ऐसे लगता है कि यू हैव कम अप विद समथिंग Very different. I hope so. मगर जब फिल्म बन जाती है तो डायरेक्टर के पास कुछ भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती. I can only see the mistakes now. You hate your film by the time it's finished. It's always like I think that. It's natural. Exactly. I could have done this better. This is not working. It's always that. How scary is that feeling? Well, the first time was very scary. Mm-hmm. It gets easier in terms of you accepting your feelings. That's okay. All I mean. Okay. The work doesn't become easy. Correct. But when you start reacting a certain way, aap immediately sochte ho, nahi yaar, ye pichli film mein bhi hua tha. When the doubts start creeping in, you say, yeah, this happened even on... And they accepted it. Exactly. So, like we all know, jahan tak film banti hai, I control every aspect. Par film banne ke baad, how the audience takes it, anybody's guess. Nobody can control. Exactly. So to second guess them and see what will work, what won't work is not the way I've made my films ever. You're already on to your next project, or this time it's different? Nahin, there are two or three already in the works. Okay. So I'm either writing them or I'm planning them or something is going on. Okay. So I can, mind is diverted enough. Divert your mind. Yeah. But Nagesh, hum to yahi prarthna karenge ki डाइवर्जन ऑफ माइंड सिर्फ इसलिए नहीं हो, डाइवर्जन ऑफ माइंड इसलिए हो क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड, लेट्स होप दैट पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग गुड, एंड मे बी दैट आपको टेंशन करने की जरूरत ही ना पड़े. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. माय प्लेजर. थैंक यू.